बच्चों अस्सलाम वालेकुम आज हम एक्सरसाइज एलेवन प्वाइंट टू का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है, यह, जो यह है है ये ये लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ एड फील्ड ए बी सी डी इज वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर ए बी सी इज फोर्टी एट मीटर सी डी इज सेवनटीन मीटर एंड ए डी इज फोर्टी मीटर फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड ए बी इज टू द पैरेलल साइज ए डी एड बी सी तो हमें क्या दिया गया है ए बी सी डी ए बी सी डी एक फील्ड है जो कि ट्रिपिजम शेप का है किस शेप का है ट्रिपिजम शेप का है और हमें बताया गया है इस पर फैंस अगर हम लगाएंगे अगर हम इसके चारों ओर फेंस लगाएंगे फेंस क्या हुआ दीवार तो इसकी जो लंबाई है वह है 120 मीटर 120 मीटर अब हमें क्या करना है इसका एरिया फाइंड करना है क्या करना है इसका एरिया फाइंड करना है तो ए बी जो है ये पता नहीं कितना है पहले हम देखेंगे जो बी सी है वह है फोर्टी एट मीटर इसी तरह जो डी सी है वह है सेवनटीन मीटर और जो ए डी है वो है फोर्टी मीटर तीन साइड हमें दिए गए हैं अब एक साइड हमें पता नहीं है और हमसे बोला गया है कि जो ए बी है ये पोपेंडिक्यूलर है पोपेंडिक्यूलर किस पे है ये बी सी पे तो इसका मतलब हुआ ये इसकी हाइट है क्या है इसकी हाइट अब हमें क्या पता है हमें पता है जो इसका जो फील्ड का जो पेरीमीटर है वो कितना है वन हंड्रेड ट्वेंटी मैं यहाँ पे लिखूँगी चूँकि ये है ना ए बी सी सी डी और ए डी अगर हम इसकी चारों ओर क्या लगाएंगे फैंस डैट मीन पेरीमीटर पेरीमीटर कितना है पेरी मीटर इज इक्वल्ड वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर ये हमें गिवन है पेरी का मतलब क्या हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी तो इसके बदले मैं लिखूंगी पैरीमीटर के बदले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर ए बी हमें पता ही नहीं है कितना है ए बी मैं ऐसे ही लिखूंगी प्लस बी सी कितना है फोर्टी एट प्लस डी सी है और सी डी है सेवेंटीन प्लस ए डी कितना है फोर्टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी ए बी ए बी प्लस जब हम इनका ऐड करेंगे फोर्टी एट प्लस सेवनटीन प्लस फोर्टी वो आता है वन हंड्रेड फाइव इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी ए बी इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस जब इस साइड ये जाएगा ये हो जाएगा माइनस वन हंड्रेड फाइव ए बी कितना आया फिफ्टीन तो हमें पता चल गया कि जो ए बी है जो ये साइड है वो कितना है फिफ्टीन लेकिन हमें क्या करना है हमें एरिया इसका एरिया निकालना है क्या करना है इसका एरिया निकालना एरिया एरिया ऑफ ए बी सी डी इसका एरिया हमें निकालना है ये किस शेप का है ट्रिपिल शेप का है तो हम लिखेंगे इस इक्वल टू वन बाई टू समल साइड्स इंट हाइट इंट हाइट सम ऑफ पल साइड्स इन हाइट ये इसका फार्मूला है ट्रिपी सिम का वन बाई टू यानी कि ए डी प्लस बी सी अगर हम इसका नाम रखेंगे ए इसका नाम रखेंगे बी ए प्लस बी इंटू एच एच क्या है डिस्टेंस इनकी हाइट इनकी तो वो कितना है वो हमें यहाँ पर मैं लिखूँगी एच वो कितना आया हमें फिफ्टीन इंट फिफ्टीन इस इक्वल टू वन बाई टू वन बाई टू ए कितना है फोर्टी प्लस बी है फोर्टी एट इंट फिफ्टीन इसवल ट वन बाई टू ये कितना हुआ एटी एट इंट फिफ्टीन टू वन हजार टू फोर हजार टू फोर हजार वो फोर्टी फोर इंटू फिफ्टीन वो किसके बराबर आएगा फोर्टी फोर इंटू फिफ्टीन पहले इस फिफ्टीन से इस फोर को करेंगे फिफ्टीन फोर्स आर सिक्सटी फिर इसी फिफ्टीन से इस फोर को करेंगे फिफ्टीन फोर्स सिक्सटी और सिक्स का हुआ सिक्सटी सिक्स जो कैरी आया सिक्स वह सिक्सटी सिक्स क्योंकि मीटर में है से यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर तो यह वह हमारा पहला क्वेश्चन तो हमें एरिया ऑफ ट्रिपीजियम एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना निकला अब 660 मीटर स्क्वायर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री अब क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फोर है द डायगेल ऑफ द कॉर्डिनेटर शेप फील्ड इज ट्वेंटी फोर मीटर एंड द पर्पेडिकुलर ड्रॉपड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस मीटर एंड थर्टीन मीटर फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड एक कॉर्डिनेटर शेप का फील्ड है और इसका जो डायगेल है डायगेल ए सी वो है ट्वेंटी फोर मीटर बाकी जो दो वर्टिसेस बच गए कौन से वर्टिसेस बच गए बी और डी बच गई रिमेनिंग का मतलब है जो यहाँ पर ये बी और डी है अगर ए सी हमने डायगनल डाला अब क्या, क्या बच गया बी और डी इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग इन पे क्या डाला गया है पैनिक्युलर, जिसकी एक की हाइट है थर्टीन मीटर और दूसरी की हाइट क्या है एट मीटर सपोज हम इसका नाम रखेंगे एच वन और इसका नाम रखेंगे एच टू तो अब हमारे पास एच वन है एच वन कॉल्ड थर्टीन मीटर और एच टू क्या है एट मीटर और जो ए सी है ए सी क्या है डायगनल वो कितना है ट्वेंटी फोर मीटर अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया यानी कि ए बी सी डी का एरिया तो हम कैसे करेंगे हम लिखेंगे ए बी सी डी एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ को पता ही है किसके बराबर होता है वन हाफ ऑफ बेस इन हाइट तो यहां पे वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ बेस बेस क्या है इसकी ए सी और हाइट क्या है एच वन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी वन हाफ ऑफ इसका भी क्या बेस है ए सी into एच टू इंटू एच टू तो आप देखो यहाँ पे वन बाई टू ए सी इंटू वन इसमें और इसमें बीच में है ना प्लस इसमें कॉमन क्या है वन बाई टू इंटू ए सी है ए सी के बदले हम क्या लिखेंगे ट्वेंटी four चलिए यहाँ पे अभी हम लिखेंगे ए सी ए सी तो यहाँ पे क्या आएगा आप एच वन प्लस एच टू ये डिफरेंट है इसलिए हमने ये अलग लिखे हैं तो वन बाई टू ए सी के बदले हम क्या लिखेंगे आप ट्वेंटी फोर क्योंकि ए सी कितना है ट्वेंटी फोर मीटर एच वन कितना है थर्टीन प्लस एच टू है एट टू वन जार ट ट ट ट ट ट ट ट ट टू टू वन जड़ ट ट ट ट ट ट ट ट ट टू टू क्या हा ट टुव ट टुव इट थटीन प्लस एट क्या हा ट टुवटी वन टुवलव वन इज आवर टुवल टू वन आया कैरी टुवलव टू इज आवर टुवेंटी फोर टुवटी फोर प्लस वन क्या हा ट टुवेंटी फाइव मीटर स्क्वायर इसका क्या है एरिया एरिया ऑफ ए बी सी डी इस फील्ड का एरिया क्या है टू हंड्रेड फिफ्टी टू मीटर स्क्वायर तो बच्चों आज इतना ही फी अमान खुदा हाफिज